माला पहनने से ही ये ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है, या माला पहनने के बाद कोई मंत्र या कुछ करना पड़ता है? थोड़ा उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी, और मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ और मुझे कोई समझ में नहीं रहा, इसीलिए गुरु जी आप मुझे गाइड करो कि ये माला कैसे क्या यूज़ करना होती है, थोड़ा सा मुझे बताओ गुरु जी। गुरु जी आप ही बताओ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा शक्ति बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे उत्तम और सबसे लाभदायक और सबसे फलकारी कौन? जय श्री माता रानी। आपको आपके जितने भी प्रश्न हैं, मैं उनका सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इसी ऑडियो में आपको दिया दे रहा हूँ। जैसे ही आप मुंड माला को धारण करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप मुंड माला को धारण करते हैं, उसको धारण करने के बाद आप कोई भी जप करें, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रेत है, ठीक है, आप अपनी माला ले जाइए, आप अपनी माला से आपने जो भी माँ काली या भैरव का मंत्र सिद्ध किया है, उस माला को उसके सामने ले जाना होता है, ठीक है। उससे पहले क्रिया की जाती है, वो क्रिया आप जब माला परचेज करेंगे तो आपको बता दी जाएगी। वो क्रिया करके घर से जानी होती है, सामने वाले के पास जाइए, अपना जो भी आपने काली मंत्र या भैरव मंत्र सिद्ध किया है, उससे मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति से 7 बार उल्टा घुमाइए, उसका प्रेत आपको सिद्ध हो जाएगा, आपके वशीभूत हो जाएगा और आपकी माला में बैठ जाएगा। फिर उस प्रेत से आप जैसे चाहे वैसे कार्य कराएं, ठीक है, उससे वचन लें, मतलब आपको जो भी करना है उसे करिए, आप आराम से निसंकोच होकर करिए।